बात करें और चाहे इसका फोन अलग करता है यही बता रहे और जरा प्लीज ये भी बता रहे कि तुम्हान के साथ आपका क्या हाल है। जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज सब लोग यहाँ पर आए। जी आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूँगी। जी पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सबके जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं आप ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे जाऊंगा। ये दीदी वो मैं उस्मा साहबा सुने मैं मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस करने हैं और उनका ही मेहमान। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जो सा है जी वो घर के मालिक हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं। बताओ जी मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करें कि मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, बात सुने। यहाँ किसी हमने आके क्यों मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें, एक मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की, ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज़ एक मिनट दे दें। ज़रूरी बात ये आपको ये शवाहद आपको ये डॉक्यूमेंट देखिए उज़्मा की जान को खतरात लाहक हैं, आप इस चीज़ की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें, उज़्मा खान की जान को खतरात लाहक हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सा है मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का उसका राइट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, दाऊद आप सवाल करना जी, मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मियाँ दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उज़्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है और वही हम तफ्तीश उन पर देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खावन का घर है ऐसी बात कतई तौर पर नहीं है। अच्छा उस्मान मलिक के साथ दो साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मान का ताल्लुक 2 साल से है, उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था, पाँच महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती जो सा रब्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है, उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो सा है वो यही है कि इससे उसकी सलामत थी, दोस्ती थी और इसे शादी करना चाहता। अच्छा बात सुने, आप एक बंदा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ उज़्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना चाहे वो दें। मैडम आप उस्मा से सवाल करें, बात करें ना,
जी प्लीज करें, आप करें सवाल जी, प्लीज आप सवाल करें। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर उसके घर में दाखिल हुई जी जी, ठीक है, उसने बिल्कुल गलत है, लेकिन सवाल यह है कि आधी रात को उस्मान फलक आपके घर याद कर रहा था, तो क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी कानूनियत का हम ये बोल कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त दो खवातीन घर में बंदा आपके घर में, ये नहीं करे कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है। अगर आप दूसरा सवाल भी करें, आप प्लीज बताइए, आई एम सॉरी प्लीज दोबारा बता दें शोर बहुत है, प्लीज बात आवाज नहीं आ रही जी प्लीज। सारे सवाल इकट्ठे रखो, और भी क्वेश्चन है तो पहले सारे छोटा सवाल, सारे सवाल ठीक है, ठीक जी जी। और किसी का कोई सवाल है? दो सवाल मुझे एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा जी। पहली बात तो ये, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है, और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वॉर्न नहीं किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है, और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की, मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है चांद रात, वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये इतराज़ है मेरे इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं उन, नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पर इतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई, जो भी बहुत से ऐसे केस देखे हैं बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है, चार जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वाले, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं आप भी ऐसे करामत नहीं कर रही थी, पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम कर के लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती, अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन ही करना होता तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करती। हेलो, ये झूठ है, चले मैं भाई का सवाल है, कौन सी मिस वन वन कह रही है, भाई आप ही कह रही है, मैं आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका, मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा, घर का किराया नामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं, उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं, बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से, इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है, चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टम हैं, विक्टम तो बहुत से हैं,
इस विक्टिम जो है सबसे पहले उज्मा और इसकी बहन है, उज्मा की बहन भी जो सी इनका पांव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो है मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूंकि मलिक रियाज जो है मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी दो बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की दो बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहां पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो है शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म्ड फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि आईएसआई नु बुला चुके ले जा, ये बताना चाहता हूँ कि आईएसआई के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम आईएसआई वाले हैं, एक आपके सामने ये हैं, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर हैं। एक उसमें बात करना चाहती है, एक उसमें बात करना चाहती है। आपने बहुत सारी दफा करवाई है घर में दाखिल के और वो उसका फैसला भी सामने आ गया, क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। दीदी बस ये सवाल उस्मा एक बात करना चाह रही है। उसको बोलने दो यार, कहाँ पे है सब कुछ, सब कहाँ पे है, उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खावन के खिलाफ दर्ज कराए, अपने खावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत से खयानत करते रहे। उन्हें अगर लगता है कि वो बात करके और इस तरह की बात करके सही साबित हो जाएंगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्यों किया। और एक बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे हैं बाबा साहब? अच्छा वो बता दो मैसेज वाली बात कर दो, कितना किराया दे रहे हैं बाबा साहब? उनका सवाल है, कितना किराया दे रहे हैं? उनका सवाल है, प्रूफ करूंगी कि उस्मान की कॉल्स की डेट्स और मैसेजेस अभी भी मुझे मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैंने बिल्कुल नहीं देखा, दो साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने रब्ता रखा, इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है रब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। आप मुतालबात,
आप उसी सवाल ले लीजिए, मैं शान से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे दो से तीन चार हमारे तीन चार मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उसके सवाल। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो उनसे लोग आते हैं हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो उनसे सिक्योरिटी दी जाए, ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो उनसे है वो डी आई जी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जाती सरबराही में हो और उसके दो न्यूट्रल मेम्बर जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो वो भी जो से वो लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा जो सा वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो सा वो ये है, मैं हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फॉर जो सा है, फिल फॉर जो सा है मुलजमान की गिरफ्तारी जो से अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बा असर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती, बरए मेहरबानी को गिरफ्तार किया जाए। उनके बकौल उन्होंने शराब खरीदी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में आए और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया, उस्मा बेचारी बोल रही थी आवाज नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं, उस्मा के पास वैसे आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे से भी जरा बताइए आप।